तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल इज लाइव. मतलब मैंने ही इतनी बार बता दिया और शायद एक दो बार और बता दूं, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि आप ये अमेजिंग डील्स मिस करें. अभी Amazon पर आपको 1500 प्लस ब्रांड्स पे एंड 3 लाख प्लस स्टाइल्स पर 50-80% ऑफ मिल रहा है. ह्यूज डिस्काउंट्स पर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और स्किन केयर मेकअप हर जगह, मतलब इतना डिस्काउंट मिल रहा है कि मैंने सब कुछ मंगवा लिया. स्किन केयर और हेयर केयर का हॉल मैंने ऑलरेडी लाइव कर रखा है और मैंने बताया था कि मेकअप भी ऑर्डर किया है, वो आपको नेक्स्ट हॉल में दिखाऊंगी. तो यही है वो हॉल जिसमें मैंने काफ़ी सारा मेकअप ऑर्डर किया है. एंड मोस्टली जो मेकअप है वो मेरे दो फेवरेट ब्रांड से है, विच इज स्विस ब्यूटी एंड माय ग्लैम. मैंने काफ़ी सारा मेकअप इन दो ब्रांड से पिक किया है. सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. स्टार्ट करते हैं स्विस ब्यूटी से. तो स्विस ब्यूटी का ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ और ये है इनका स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आईलाइनर 2 in 1. ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ बट मैंने इसको कभी परचेस नहीं किया और इस बार मैंने सेल का पूरा फ़ायदा उठाया है और इसको परचेस किया. तो ये कुछ इस तरीके के पॉट में आपको रिसीव होता है. ऊपर आपको आईब्रो पाउडर मिलेगा, नीचे आपको जेल आईलाइनर मिलेगा और यहाँ पर छोटू सा क्यूटू सा मिरर मिलेगा. पैकेजिंग इज सुपर और आपको पता ही होगा कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अमेजिंग होते ही हैं. तो यहाँ पे आपको प्रो पाउडर मिल रहा है और इसके नीचे मिल रहा है ये जेल आईलाइनर. इसको आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा. सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है. इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली इसका रिव्यू आप लोग साथ चेक करूँगी. और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है. और इसके साथ में मिलता है ये ब्रश जिससे आप अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं, आईलाइनर लगा सकते हैं. सो ये कुछ इस तरीके से है. नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी से ये दो लिपस्टिक्स ऑर्डर किए हैं. एक इनका लिप क्रियॉन है, एक ये मैट लिपस्टिक है. तो ये है मैट कैट लिप क्रियॉन और इसमें मैंने 01 शेड ऑर्डर किया है जिसका कलर है ब्राउन. काफ़ी बढ़िया ऐसा क्रियॉन सा है और इनकी लिपस्टिक सब सारी जो है काफ़ी अमेजिंग होती है, चाहे वो बुलेट हो, क्रियॉन्स हो, लिक्विड हो, हर एक लिपस्टिक अमेजिंग होती है. और मुझे ये ब्राउन लिपस्टिक्स का अलग ही क्रेज़ है. ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन है तो इसको मुझे लाइनर वगैरह के साथ लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कलर मुझे वॉश ऑफ कर जाते हैं. और नेक्स्ट मैंने लिया है इनका स्विस ब्यूटी होल्ड मी मैट 12 आवर्स स्टे लिक्विड लिपस्टिक और ये तो इनकी इतनी वायरल हो रखी हैं. इसकी मेरे पास छोटी छोटी भी काफ़ी सारी है और इसका मैंने एक शेड ये मंगवाया है. इसका जो शेड है वो है 01 क्यूट न्यूड और ये एक न्यूड ब्राउन शेड है. इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही अमेजिंग है एंड जस्ट लुक एट द कलर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है. इसको भी मुझे थोड़ा सा लिप लाइनर के साथ में वेयर करना पड़ता है वरना वॉश ऑफ करता है, बट वैसे भी अगर आप लगाएंगे तो अच्छा लगेगा. प्लस इस तरीके की जो लाइट लिपस्टिक्स होती हैं वो किसी डार्क लिपस्टिक को टोन डाउन करने में भी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट आई हैव इनका OG स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट. और जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था, ये चैनल स्टार्ट किया था, तब भी मैंने इसी के साथ शुरुआत की थी और इसका नया शेड एक मैंने ऑर्डर कर लिया. इसका अभी भी दो शेड तो मेरे पास हैं ऑलरेडी और ये मैंने एक और शेड इसमें ऑर्डर किया है. अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बढ़िया शेड्स हैं. नेक्स्ट आई हैव इनका स्विस ब्यूटी मस्कारा और इसका एक मैंने ना ऑलरेडी ट्राई कर रखा है, तब मैं ऑनलाइन परचेज नहीं करती थी, मैंने ऐसे ही ऑफलाइन शॉप से परचेज किया था. और उस टाइम पे ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्लम्जी कर देता है, बहुत स्टिकी सा फील होता है, बट उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों को इसकी तारीफ करते हुए सुना और इस बार मुझे हुआ कि चलो एक बार इसको एक और मौका देकर देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है. तो इसको फिर से मैं ट्राई करूँगी और बताऊँगी कि ये कैसा है. नेक्स्ट आई हैव दिस स्विस ब्यूटी प्रो सीरीज आई ब्रश का सेट. ये मुझे कब से चाहिए था एंड फाइनली मुझे इस सेल में से मिल गया और इतने अच्छे प्राइस पे ये मिला है. इसमें आपको काफ़ी सारे ब्रशेस मिल जाते हैं, इनके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. इसमें एक मिसिंग लग रहा होगा, वो मैं क्योंकि एक है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ये रहा वो ब्रश. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसके ब्रिसल्स हैं, बहुत ही अच्छे से आपका आई शेडो को ब्लेंड कर देता है. अगर आपको कोई बढ़िया ब्रशेस चाहिए वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एंड स्विस ब्यूटी का लास्ट आइटम है मेरे पास इनका ये ब्रो डिफाइनर पेंसिल और इसको तो मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया और अभी आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ. इसको वो आपको शार्प करना पड़ता है और यहाँ पे आपको स्पूली मिल जाता है. काफ़ी बढ़िया इसका कलर है, बहुत ही नेचुरल कलर है. इसका शेड नेम जो होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड पर लगा दूंगी. 03 डीप ब्राउन इसका शेड है, बहुत ही बढ़िया है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल आपकी आईब्रोज लगेंगी. सो इस ब्यूटी के आइटम यहीं ख़त्म होते हैं बट मेरा मेकअप का परचेसिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ. मेरे पास काफ़ी सारे माय ग्लैम के भी आइटम्स हैं,
तो ये है इनके न्यूली लॉन्च्ड पोपेक्सो माइग्लैम के कुछ आइटम जिसमें इन्होंने लिपस्टिक्स एंड हाइलाइटर वगैरह जो है लॉन्च किए थे। तो फर्स्ट आई हैव इनका ये लिक्विड लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस का कॉम्बो और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये बाय द वे मैंने काफ़ी टाइम पहले इनको ऑर्डर किया था, अब जाके मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अब मौका मिला है, क्योंकि मुझे भी फोमो हो रहा था कि कहीं मैं मिस ना कर दूँ। इनका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, मतलब अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट क्वांटिटी काफ़ी कम है। सो इसके बारे में डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, अभी मैं आपको ऐसे ऊपर से दिखा देती हूँ। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी, जितना मुझे पता है इसमें दो ही शेड आते हैं, एक आता है सिचुएशनशिप, एक आता है पार्टनर इन क्राइम, एक थोड़ा सा पिंक में है एक ब्राउन में है, तो कुछ इस तरीके की बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी अच्छा है। आपको अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के स्वेचेस रिव्यू चाहिए लॉन्ग फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। नेक्स्ट आई हैव ये इनका हाईलाइटर एंड ब्लश का डुओ, तो एक में इसका एक का नाम है वाइप ट्राइब, एक का नाम है इट्स गिविंग। तो इसमें एक में आपको थोड़ा सा गोल्डन हाइलाइटर मिल जाता है और कोरल ब्रश मिलता है, और एक में आपको पिंक ब्लश प्लस सिल्वर मतलब थोड़ा सा पिंकिश हाइलाइटर मिलता है। सो इसकी पैकेजिंग भी कुछ इस तरीके से हार्ट शेप में है, बहुत क्यूट पैकेजिंग है, और इस तरीके से कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई रियली लव द पैकेजिंग, और इसको फिलहाल के लिए तो मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं कुछ बता नहीं सकती इसके बारे में, बाकी वो लिपस्टिक ज़रूर मैंने ट्राई की वो काफ़ी अच्छी हैं। और कुछ इस तरीके से ये ब्लश है, ब्लश के तो चंकी पार्टिकल्स थोड़ा सा विजिबल होते हैं, बाकी इनको मैं अच्छे से ट्राई करूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा वर्क करते हैं। इसके अलावा मैंने इनका एक शार्पनर ऑर्डर किया था, और इसके अंदर से मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसका कुछ हालत ख़राब कर रखी है। और इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था ये माइग्लैम का मैट रश मिनी लिपस्टिक, और ये मिनी तो बिल्कुल भी नहीं है, अंदर काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी आपको मिल जाती है। तो ये मोस्टली माइग्लैम के न्यू लॉन्चेज हैं जो मैंने ट्राई किए हैं, और ये कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल शेड में मैंने इसको ऑर्डर किया था। जस्ट लुक एट दिस, ये आइटम मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्राई किया था, तो सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन केस आपको कुछ भी चाहिए आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अभी बेस्ट डिस्काउंट्स पर ही अवेलेबल है। इसके अलावा जो लास्ट आइटम था वो था ये काजल एंड मस्कारा का डुओ, तो काजल मेरे पास है, मस्कारा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा है काजल, और इसका मस्कारा भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको चाहिए तो डुओ जरूर से ट्राई कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द पिगमेंट, बहुत ही बढ़िया पिगमेंटेशन है इसका, और काफ़ी कम प्राइस पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ मेरा ये मेकअप हॉल खत्म होता है, और ये सारे प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो बेस्ट हैं। अभी अमेजन पे बहुत ही बढ़िया डील चल रही है, सो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा स्किन केयर वाला हॉल नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।